मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तरोताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। 76 वर्ष में पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुँचे कोई प्रधानमंत्री। संत मीराबाई के चरित्र का गुणगान करते हुए कहा कि नारी का आत्मबल पूरे समाज को दिशा देने का बल रखता है। पीएम मोदी। उन्होंने संत मीराबाई के चरित्र का गुणगान करते हुए कहा कि नारी का आत्मबल पूरे समाज को दिशा देने का बल रखता है। पीएम का ये बयान राजस्थान की जनता के लिए वसुंधरा राजे के सीएम उम्मीदवार के तौर पर संदेश और उनकी छवि को निखारने वाला माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रज की धरा पर खड़े होकर राजस्थान के चुनावी रण को साधा। उन्होंने संत मीराबाई के चरित्र का गुणगान करते हुए कहा कि नारी का आत्मबल पूरे समाज को दिशा देने का बल रखता है। पीएम का ये बयान राजस्थान की जनता के लिए वसुंधरा राजे के सीएम उम्मीदवार के तौर पर संदेश और उनकी छवि को निखारने वाला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह राजस्थान के चुनावी रण से ब्रज के भक्ति के माहौल में आए हैं। राजस्थान के बिना 84 कोस का ब्रज पूरा नहीं होता। मीराबाई ने राजस्थान को ब्रज और गुजरात से जोड़ा। उन्होंने राजस्थान में जन्म लिया, ब्रज में भक्ति की और गुजरात में जाकर श्री कृष्ण में विलीन हो गई। महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारी उठाई है। राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान के राजशाही परिवार में जन्मी मीरा व उनके परिवार ने आस्था के केंद्रों, भारत की आत्मा और चेतना की रक्षा की। यह राजस्थान की परंपरा है। 76 वर्ष में पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे कोई प्रधानमंत्री। योगी राज श्री कृष्ण की ख्याति भले ही ना सिर्फ मथुरा, देश अथवा विदेश तक हो, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित बाल कान्हा तक किसी प्रधानमंत्री को पहुंचने में 7 दशक लग गए। इन दशकों में भारत ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक 15 प्रधानमंत्री देखे। श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित गर्भगृह में बाल कान्हा स्थापित है। मान्यता है कि मंदिर 5500 वर्ष पुराना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की ख्याति न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई वीआईपी कान्हा के दर्शनों के लिए आता रहता है, लेकिन देश के किसी भी पीएम को कान्हा तक पहुंचने में 76 वर्षों का लंबा समय लग गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद होने के कारण भी संभवत देश के प्रधानमंत्रियों ने यहाँ आने में दिलचस्पी नहीं दिखाई कि कहीं इसे सांप्रदायिकता का रंग ना दे दिया जाए।